बच्चे कैसे हो आप? जैसे कि आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, आई होप कि आप सभी ने जो है चॉइस फिलिंग कर दिए होंगे। अभी हम देखेंगे कि इसके बाद क्या करना है। जो बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा अलॉटमेंट जो 29 से, तो उनको क्या तैयारियां रखनी हैं, और जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा उनको जो है सेकंड राउंड के लिए क्या करना है। ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं, जिसको पर्सनली मैसेज करना है वो कर सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा जो लिंक अबाउट सेक्शन ऑफ चैनल पे दिया है। चलो तो अभी हम इसमें बात करते हैं। जैसे कि आज हमारी जो है चॉइस फिलिंग की डेट रहेगी 12 बजे तक, इसके बाद जो कल और परसों प्रोसेसिंग का टाइम रहेगा, और जैसे कि फाइनली 29 को जो है अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो ये उन बच्चों को देखना अकेला ज़रूरी नहीं है जिनको कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में, उन सभी बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए जिसको सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड या सीएलसी राउंड में कॉलेज मिलेगा, या फिर जो गवर्नमेंट या प्राइवेट या गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहेंगे लास्ट तक। ठीक है, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो अपने किसी बच्चों को या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे, तो मैंने वहाँ पर मुझे क्या दिक्कतें हुई थी और क्या क्या लगते हैं डॉक्यूमेंट, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कितनी फ़ीस लग जाती हमारी, और सिक्योरिटी मनी और एक्स्ट्रा बॉन्डिंग वगैरह का, ये सब जो है पूरा क्लियरली इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ कटअप्स को छोड़ के सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और ज़्यादा घबराना नहीं है कि कटअप कितनी जाएगी कितनी नहीं, जो हमने एक्सपेक्टेशन बताए हैं उससे 10 to 15 मार्क्स कम ज़्यादा होगी गवर्नमेंट और प्राइवेट में, कैटेगरी वाइज भी हमने रैंक वाइज भी बताया था, उसके अनुसार वो क्लियर हो जाएगा हमारा 29 तारीख को, कि हमने जो कटअप बताए थे उसके अकॉर्डिंगली रही है क्या नहीं रही है। तो उसमें अब ज़्यादा सोच विचारने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, कट ऑफ जो जाना उतना ही जाएगा। ठीक है, अभी अब हमको फोकस करना नेक्स्ट प्रोसेस में। उस दिन अलॉटमेंट आ जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके दूसरे दिन से आपको रिपोर्टिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग में हमको जो है 31 से 4 तारीख तक का ही टाइम मिला हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ऑनलाइन रेजिग्नेशन कैंसिलेशन भी करवाना पड़ेगा, जिसको अगर ऑल इंडिया कोटा पे सीट मिल गई है तो, और अपग्रेडेशन भी कैसे करना है, लॉगिंग आफ्टर एडमिशन बाय द कैंडिडेट, तो ये भी हम देखेंगे जो कि 7 तक है। ठीक है, तो ये इसको पूरा अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो आपके रेजिग्नेशन में भी कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फ्री एग्जिट क्या है जो कि इस साल आया है एमपी में न्यू रूल के तहत, तो वो भी क्या है वो भी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है कि जैसे ही आपका देखो, जो बच्चे हैं वो सेकंड राउंड वाले, जो फर्स्ट राउंड का ही देख लो कि आप डॉक्यूमेंट तैयार कर पाओ। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जैसे ही आपका मतलब 29 को अलॉटमेंट आएगा, सबसे पहले आपको अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना है, जो भी कॉलेज मिला हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। पहली चीज़ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने तो जो कॉलेज डाला था, तो गवर्नमेंट में तो किसी को जो भी मिल जाएगा सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जिसको प्राइवेट मिलता है और जिसने गवर्नमेंट का सोचा था, तो वो सोचेगा सर क्या हम प्राइवेट में अलॉटमेंट आया है तो रिपोर्टिंग करने नहीं जाएँ तो चलेगा क्या, है ना। या कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हमको प्राइवेट अच्छा नहीं मिला तो हम क्या सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो उसका ये है, देखो जिसको फाइनली इस साल एडमिशन लेना ही है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उसको तो सिंपल सा रिपोर्टिंग करने जाना ही जाना। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट मिला हो चाहे प्राइवेट मिला हो चाहे फिर कोई सा भी कॉलेज मिला हो। और चॉइस फिलिंग का मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊं कि यार कई लोग सोचते हैं सर हमको ये कॉलेज मिल गया और हम रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते, हम सेकंड राउंड का वेट करना चाहते हैं, तो सिंपल है ना भाई। अगर आपको लग रहा है कि हम प्राइवेट कॉलेज कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ गवर्नमेंट ही करना है, तो भाई तुम गवर्नमेंट अकेले की चॉइस फिलिंग करोगे ना, गवर्नमेंट अकेले की चॉइस फिलिंग करोगे तो उसमें क्या होगा, अगर तुम एलिजिबल हो गए और उसमें गवर्नमेंट मिलने का तो तुमको मिल जाएगा, तो तुम एडमिशन पक्का ले लेना, और अगर तुमको नहीं मिला तो नॉट अलॉटेड करके आएगा, तो फिर रिपोर्टिंग करने जाना ही नहीं, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करना। सेकंड राउंड में भी फिर पता है आपको गवर्नमेंट में कम है सिक्योरिटी मनी, लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको लेना प्राइवेट लेना ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट डाल दिए, तो भाई प्राइवेट लेने ही नहीं है तो डाले ही क्यों हूँ, और डाले हो तो फिर वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना। अभी तो फ्री एग्जिट आ गया तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट है, अगर फ्री एग्जिट नहीं होता तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना ही होता है। रिपोर्टिंग करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, फिर अपग्रेडेशन होता है कि आप फिर गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं लेना है तो गवर्नमेंट के लिए अपग्रेड करो,
ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब मान लो कि बात जिसको प्राइवेट में इस साल एडमिशन लेना ही है, तो उसका प्राइवेट जो कॉलेज भी आया हो, भले ही आपने जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज डाले हो टॉप में वो नहीं मिले हो, लेकिन जो भी मिला हो उसमें आपको जाना है और वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन के बाद अपग्रेडेशन के लिए लिंक वहाँ से एक्टिवेट कराना है, फिर ऑनलाइन फिर आपको अपग्रेड होगा, लेकिन लिंक कॉलेज से एक्टिवेट होगा जब आप वहाँ जाके रिपोर्ट करोगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों में सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों कॉलेज वाले क्या अपने अपना अलॉटमेंट निकालना है, उसके कम से कम को 3 से 4 जो है जेरोक्स कराने हैं अलॉटमेंट लेटर के। सबसे पहले बात करूँगी जितने भी अभी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में लगे हैं वो तो कंपलसरी हैं, उसके अलावा जो है और सारे डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड भी जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट में देखो तो आप जैसे ही कॉलेजेस में जाओगे ना, तो जितने भी प्रोफार्मा दिख रहे हैं है ना 9-10 के अलावा, या जितने भी प्रोफार्मा है MPDME की वेबसाइट में, इसको डाउनलोड कर लेना। इस प्रोफार्मा के 3-3 सेट बनाना है, क्योंकि वहाँ फिर आप फोटोकॉपी की दुकान ढूंढते रहोगे, या फिर वहाँ जाके भी आप जाओगे तो यही करोगे, तो पहले से प्रिपेयर रहो कि आपको वहाँ जाके क्या करना। फोटोकॉपी कॉलेज वाले बोलेंगे कि आपको ये प्रोफार्मा के इतनी इतनी फोटोकॉपी कराना है, तो आप रेडी रहना है कि भरना क्या क्या है। इसलिए अभी के अभी जो सारे बच्चे हैं ना, प्रोफार्मा डाउनलोड करो और सारे रीड कर डालो, क्योंकि वहाँ एंटी रैगिंग का प्रोफार्मा है और बहुत सारे हैं कि भाई आपको अनुशासन पे रहना, डिसिप्लिन का है, तो वो सारे आप पढ़ लो, क्योंकि वहाँ फिर पूछते हो कि इसमें क्या आएगा उसमें क्या आएगा, और टाइम इतने जल्दी निपट जाता है ना कि 6 बजे वेरिफिकेशन भी बंद हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन वेट करना पड़ता है, फिर तीसरे दिन वेट करना पड़ता है, फिर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, तो फिर दिक्कत होती है ना, 4 तारीख तक के तो डेट ही है, तो इसीलिए अभी से रखो तो आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपके मेडिकल टेस्ट भी होंगे ना, मेडिकल टेस्ट में भी टाइम लगता है। हमारे टाइम में क्या था, बाकी काम तो हमने जल्दी करा लिए थे, लेकिन हम मेरे को क्या फर्स्ट राउंड पे ही कॉलेज मिल गया था, तो फर्स्ट राउंड में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार ठीक है जल्दी हो जाएगा, ना ही मेरे को अपग्रेड करना ना ही कुछ करना है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना, अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे जाएंगे ना उनको दिक्कत ये होती है कि गवर्नमेंट में जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच रहता है मेडिकल कॉलेज, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है उनको बताना पड़ता है कि हम मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, हमको यहाँ जो है मेडिकल टेस्ट के लिए आए, तो भी जो बहुत मुश्किल से हमारा नंबर लगता है, तो वहाँ पर जो है फिर यूरिन टेस्ट, एक्सरे टेस्ट है ना, BP शुगर से लेके जितने भी ECG वगैरह सारे टेस्ट हैं वहाँ पर होते हैं। सारे टेस्ट के लिए आपको लाइन बाई लाइन चलना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, रिपोर्ट तुरंत में नहीं मिलती, उसके बाद 2 बजे आना पड़ता है, कभी कभी एक्सरे पहले ही बंद हो जाता है, तो फिर उसके लिए दूसरे दिन आना पड़ता है, फिर कुछ टीचर्स वगैरह वहाँ मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं मिलते नहीं हैं, उनके साइन भी वहाँ लेना पड़ता है। जिस डिपार्टमेंट में है जैसे आई की प्रॉब्लम तो नहीं है, आई का टेस्ट नॉर्मल आया तो फिर वहाँ टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट लेके जाओ, फिर वो डॉक्टर साइन करेगा, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे उसमें साइन लगते हैं, तो उनको ढूंढना पड़ता है, अभी वो कहाँ कहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, कितने टाइम मेडिकल कॉलेज में आते हैं, वो सब आपको रखना पड़ता है। तो इसमें मेरे को यार 2 या 3 दिन लग गए थे, जबकि मैं पूरी उन्हीं पे बैठा था, तो कहीं एक्सरे का ऑफिस बंद हो जा रहा था, तो कहीं तो हर चीज़ में ये दिक्कतें होती हैं। ठीक है, फिर साइन के लिए ढूंढना पड़ा था, मेरे साइन तो पता है एडमिशन हो गया था, उसके बाद तक साइन होते रहे थे, क्योंकि वो बोल देते हैं कि ठीक है साइन आप करा सकते हो, तो मेरा एडमिशन मतलब था उसके 2-3 दिन मैंने वेट किया, और लास्ट था उसी दिन मतलब लास्ट में साइन किया, तो मतलब ऐसे में दिक्कत नहीं रहती, हो जाता, बट आप पहले से ही प्रिपेयर रहो है ना, तो प्रोफार्मा वगैरह सब खटाखट से भरना है, जेरोक्स कराना है, 3 सेट में 2-3 सेट जमा करना है, 1 सेट अपने पास रखना है ना, और इसके अलावा वहाँ पर एडमिशन के लिए 14,000 रुपये जो फीस रहती है वो आपको तुरंत पैड करना पड़ता है, क्योंकि आपको अलॉटमेंट हुआ ना, तो अलॉटेड को ऑनलाइन पेमेंट होता है, MP ऑनलाइन पे आपको जाके करना पड़ेगा, कॉलेज वाले नहीं करते, क्योंकि मेरे को उनने बोले थे कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया है, अब आपको MP ऑनलाइन की दुकान भागना है, वो भी पहले पहले 4-5 बजे से पहले पहले, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, तो मैं पहले ही दौड़ते हुए गया था, और 14,000 रुपये फीस करके फिर वो पेमेंट वाली स्लिप आती है, वो फिर लाके कॉलेज में देना पड़ता है, उसके भी 3 जेरोक्स रहते हैं, ये सारे को जमा संभाल के रखना पड़ता है। इसमें क्या होते हैं, हमारे ओरिजिनल पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट रहते हैं ना वो कॉलेज में जमा हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है फोटोकॉपी जमा करना है ओरिजिनल, नहीं नहीं ओरिजिनल पूरे 10वीं की मार्कशीट, 11वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा हो जाएंगे, तो इनको आपको एक्स्ट्रा कॉपी तो रहेगी, साथ में आप इनके स्कैन करके भी रख लो फ्यूचर के लिए। ठीक है, स्कैन करके, क्योंकि जब स्कॉलरशिप के फॉर्म भराते हैं ना, तब फिर टीचर्स बोलते हैं कि आपकी जेरोक्स कहाँ, तब आपको मिलती नहीं है,
फिर वो उनको स्टूडेंट सेक्शन पे ओपन करवाते हैं, तब फिर वहाँ डांट खानी पड़ती है, या फिर ये सारी जो है प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ये करना है। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट आपका हो गया, फिर आप बॉन्ड के चक्कर में ढूंढोगे। अगर आपने अपग्रेड करे हो, अगर आपको सर्टिफिकेशन वाला कॉलेज मिल गया और आप सोच रहे हो कि यार नहीं ये तो मेरे घर के किनारे वाला कॉलेज में, यहाँ पर एडमिशन ले लूँगा, दूसरा मिलेगा भी इससे तो मैं नहीं लूँगा, है ना, तो फिर आप वहीं पर बॉन्ड बना सकते हो। लेकिन आपको लगता है नहीं मेरे को अपग्रेड में अच्छा कॉलेज मिलेगा, मैं अच्छा कॉलेज लूँगा, तो फिर आपको बॉन्ड उसमें नहीं बनाना, नेक्स्ट टाइम में बनाना है। लेकिन होता है क्या बॉन्ड में बता, तो बॉन्ड हमारे दो बनते हैं, एक सीट लिविंग बॉन्ड, एक बनता है रूरल सर्विस बॉन्ड। सीट लिविंग बॉन्ड में हमको जो है ज़्यादा का बनता है और रूरल सर्विस बॉन्ड हमारा कम में बनता है। तो मेरा कम से कम जो है 20,000 तक का जो है सीट लिविंग बॉन्ड बना था और 5,000 तक का जो है मेरा रूरल सर्विस बॉन्ड बना था। वहाँ पर जो है ई स्टाम्प में बढ़िया से वो देते हैं। अब वहाँ पर क्या कॉलेजेस में भी आते रहते हैं कुछ कलेक्ट्रेट या कोर्ट के जो रहते हैं, या फिर हमको ऑथेंटिकेट रहता है जो मेरे को, तो क्या है कि कॉलेज में जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उन्होंने ही वेरिफिकेशन वाले ने ही नंबर दिए थे कि ये नंबर रख लो, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बॉन्ड बना के पूरा दे देंगे। उनका एक्स्ट्रा चार्ज जो रहता है कंप्यूटर का वो लेते ही हैं, है ना, जो भी टाइपिंग वगैरह का है वो। तो हमको ट्रस्ट हो गया कि यार चलो कोई ऐसा नहीं जाना है कि अनऑथराइज्ड वाला या नोटरी वाला बस पूछते हैं कि गलत तो ले ना ले, तो बढ़िया सा लीगल सा था। तो हमने उनके पास गए तुरंत में कॉल करके। अब वहाँ इतने सारे बच्चे रहते हैं ना, क्योंकि तुम अकेले बच्चे तो रहोगे नहीं ना, तो वहाँ सारे के सारे बच्चे रहेंगे, क्योंकि एक कॉलेज में 100 सीट हैं तो 100 के 100 बच्चे रहेंगे, 150 बच्चे हैं तो 150 बच्चे रहेंगे, तो फर्स्ट राउंड में वहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो भाई आपको उतनी भीड़ रहेगी ना तो बॉन्ड वाला तुमको घुमा डालेगा, हमको घुमा डाला था उसने, इधर आओ उधर आओ, इतना टाइम रुको उतना टाइम रुको। एक दिन मैं काम ही नहीं करता हूँ, दूसरे दिन तक रुके, फिर सर्वर डाउन चलने लगता है, क्योंकि भाई ई स्टाम्प निकलता नहीं है, 20,000 का स्टाम्प है, निकलने में टाइम लगता है, वो निकलते निकलते उनका सर्वर डाउन हो गया, सर्वर जैसे आया तो निकाले, निकालने के बारे में मतलब बहुत कुछ टाइम लग जाता है। तो वो उसमें और मेडिकल टेस्ट में, इन दोनों में आपका टाइम लगेगा। मैंने बता दिया कि बॉन्ड में तो मेनली 15 और 5 वाला रहता है, मतलब 20,000 और 5 वाला 25,000 के करीब ये हो जाएगा आपका। ठीक है, मेडिकल टेस्ट वगैरह सारे तो फ्री होते हैं, बाकी आपको सेट बनाना है, मैंने बताया सबके 3-3 सेट बनाना है, जितने भी प्रोफार्मा सारे डॉक्यूमेंट PDF में सारे निकाल लेना है। इसके अलावा आपको फ़ोटो में बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार फ़ोटो लगेंगे आपके, भाई इतने फ़ोटो लगते हैं, इतने फ़ोटो लगते हैं ना, मेरे को बोले थे 50 फ़ोटो निकलवा लेना, निकलवा लिया, 50 भी कम पड़ गए थे, लेकिन एडमिशन हो गया था। उसके बाद फिर मैंने एक्स्ट्रा कुछ कुछ फ़ोटो करके फिर किया। अब फ़ोटो वही लगाना जो कि आपके एडमिट कार्ड वगैरह में लगाए थे अपने, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब अगर नेम डेट नॉन नेम डेट उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट नेम डेट हो तो और भी अच्छा रहता है, ठीक है। और ठीक है, तो फ़ोटो आपको 50 से प्लस के ऊपर बना के ले जाना है बढ़िया से। डॉक्यूमेंट में तो मैंने पहले लिस्ट बता ही दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म से लेके, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, अलॉटमेंट लेटर, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, है ना, और वो फ़ीस 14,000 की वो वाली फ़ीस, ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बॉन्ड के 3-3 जेरोक्स होना चाहिए, जो बॉन्ड है मेडिकल टेस्ट के, और फिर जो वो बना रहे हैं वहाँ पर डिसिप्लिन सर्टिफिकेट हो गया, है ना, और ये सारे एंटी रैगिंग वाले, ये सारे के सारे उनको भरना है, उसमें गवाह वगैरह के साइन करवाना है, सबके 3-3 हो जाएंगे। ये सारे करने के बाद फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप अपग्रेड नहीं करा रहे हो तो, और अगर अपग्रेड करा रहे हैं तो सिर्फ आपका बॉन्ड का काम रहेगा, ठीक है। बॉन्ड को छोड़ के वे पूरा वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब आपको देखेंगे, आपसे रोल नंबर, आपका पासवर्ड पूछेंगे, ताकि या फिर आपसे ही वहाँ पर मतलब दर्ज करवाते हैं, तो आपको खुद से ही दर्ज करना पड़ता है, तो उनके कंप्यूटर में जो अपना MPDME में अपना, हाँ, तो पासवर्ड अच्छे से याद करके ले जाना है, क्योंकि पासवर्ड से खोलते हैं ना, तो पासवर्ड खुलेगा, फिर आपको दिखाएंगे कि ये आप ही हो, आपको वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट से लेके इनकम सर्टिफिकेट से लेके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनली देखे जाते हैं। तो इसके लिए एक फ़ाइल बनाना पड़ता है, फाइल में सिस्टमेटिक जमाना पड़ता है, जैसे लिस्ट में जमे हैं उसी टाइप से लिस्ट में जमाना पड़ता है, फिर उसको दिखाना पड़ता है बारीकी से, है ना। अगर आप में किसी कोई एक डॉक्यूमेंट भी कम रहता है तो वो लेते नहीं है, जैसे कि आपको लगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीज़ हम भूल जाते हैं ना, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको स्कूल में मिला होगा, तो स्कूल वाला ही मेरा लगा था, क्योंकि मैंने क्या किया था स्कूल से जो है वो ले लेता। अब जो लोग कॉलेजेस करते हैं ना जिनका ड्रॉप नहीं रहता तो वो कॉलेज से ले सकते हैं, ठीक है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रही तो वो स्कूल में मिल जाता है, पर जो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो कॉलेज वाले दिन नहीं देते उनको माइग्रेशन, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी से मिलता है। अब यूनिवर्सिटी मिलता है तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, तो ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे तो आपको ऑनलाइन प्रिंटआउट मिल जाएगा, लेकिन वो वाला वो वैलिड नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि हमको चाहिए सील साइन वाला। अब सील साइन वाला कहाँ चाहिए,
उसके लिए भाई तुमको क्या करना पड़ेगा, बाई पोस्ट आता है वो, तो बाई पोस्ट आता है उसमें मतलब ओरिजिनली मानते हैं उनको, है ना, तो वो सेल साइन तो नहीं, मतलब ओरिजिनली उसको मानते हैं क्योंकि उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें अच्छे से रहती हैं जो साइंस वगैरह है वो, तो वो वाला फिर आपको जमा करना, तो इतने सारे उसमें नाटक हो जाते हैं, माइग्रेशन पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, है ना, और ये सब होने के बाद फाइनली वो फाइल को वहाँ पर रख लेते हैं और आपको बोल देते हैं वेरिफिकेशन, देखो अब जिसका अपग्रेड है तो फाइल तो दे देते हैं, बाकी जिसका कम्प्लीटली हो गया तो जमा कर लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर पूछोगे पैसे, तो पैसे मैंने बता दिया यार, 25,000 रुपये तुम्हारे बॉन्ड में लग गए, 14,000 रुपये उसमें लग गए, लेकिन जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में उनको 1,00,000 पे करनी पड़ेगी, ठीक है, 1,00,000 पे करना पड़ेगा, और जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो उनको सिर्फ 14,000 करना पड़ेगा। अब इसके बाद सोचोगे क्या सर इतने ही है क्या, नहीं और चार्जेस हैं, देखो ये तो हो गए तुम्हारे 25,000 वो और 14,000 जी, तो उसको 15,000 मान लो, तो 40,000 रुपये ये हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या, अगर 1,00,000 तुम्हारा एक्स्ट्रा लग रहा है तो 1,40,000 हो गए। अब तुमको हॉस्टल के लिए ढूंढना, भाई तुमने तो अपग्रेड करे नहीं हो, अपग्रेड नहीं करे हो तो तुमको हॉस्टल देखना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल ही बुक हो जाएंगे फिर, है ना, तो थोड़ा अच्छा सा हॉस्टल देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ कुछ हो जाते हैं फुल, तो फिर डबल डबल रखने पड़ता है, डबल डबल तीन तीन रहो, तो फिर हॉस्टल का चार्जेस तो गवर्नमेंट कॉलेज में 14,000 रुपये वो देना पड़ता है, मेस का आपको जमा करना पड़ता है जो कि 36,000 होता है, टोटल ये 50,000 मान लो, तुम्हारे 1,90,000 हो गए, 1,90,000 हो गए। इसके अलावा भी और चार्जेस तो हो गए ना, जैसे बॉन्ड वॉन्ड वाले बेचारे अलग एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ना 200-300 रुपये ये वो, और कुछ कुछ स्टाम्प तुम्हारे अगर नहीं रहे कम्प्लीटली तो छोटे मोटे बनाते रहते हैं, अगर तुमने गड़बड़ी कर दी हो, ये वो कर दी हो, या फिर तुमने गैप लिए हो, गैप सर्टिफिकेट ये वो, दुनिया भर के मिलकर लागे तुम्हारे 2,00,000 हो गए, अगर तुम्हारा वो नहीं है स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो तो तुमको स्कॉलरशिप में टिक कर देते हैं, और 1,00,000 तुम्हारी ये लग गई बाहरी वाली जो चार्ज है, तो तुम्हारा जो है फाइनली क्या हो जाता है इसमें एडमिशन कंप्लीट है, तब 1,50,000 उसकी हॉस्टल साइज पूरा, तो 1,00,000 तुम्हारा ये लग जाता है, ठीक है। फिर तुम हो गए निश्चिंत, फिर तुमको क्लास का देखना पड़ता है कब आएगी कब, और फिर तुमको वो करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके लिए। अब फाइनली जब तुम्हारा हो जाएगा एडमिशन, तो वहाँ पर रिपोर्ट देते हैं, फाइनली रिपोर्ट जो कि एक बंच में होता है कि आप एडमिटेड हो कॉलेज की तरफ से। फिर इसके बाद आपको लाइब्रेरी पर शुल्क भरना पड़ता है, वहाँ पर पता है कॉलेज की फ़ीस रहती है, स्पोर्ट लाइब्रेरी ये वो सारा, तो वो ऑफलाइन बनाना पड़ता है, और ऑफलाइन कॉलेज वाले बनाते हैं, और कॉलेज वाले बनाने के लिए वो कम से कम मेरा 2100 का बना था, लेकिन मैं फंस कहाँ गया था पता है, मेरे पास चेक ही नहीं था, और चेक था उस जगह का जहाँ मैं, मेरा अकाउंट दूसरी जगह का था, और ये दिक्कत थी। अब जिसका मेरे पास चेक था उसके साइन लगने थे, साइन वाला था नहीं, तो फिर मैं फटक गया था, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा था फिर यार, कोई एक थर्ड पर्सन को मेरे को ढूंढना पड़ा था, जो पहचान का नहीं था उसको पहचान का बनाना पड़ा था, उसको मेरे को 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसे देना, 500 या 1,000 ऐसा समथिंग दिया था मैंने, और वो एक्स्ट्रा चार्ज उसको देख के उसके साइन करा के उस चेक में मैं अकाउंट से पैसे कटा के वो 2100-2200 रुपये का मेरे को यार वो शुल्क बना DD बनवाना पड़ा था, तो DD बनवाना पड़ता है, इसलिए भाई अपने फादर को लेके जाओ, उनका चेक लेके जाओ, स्टेट बैंक है तो वहाँ के स्टेट बैंक से बन जाएगा चेक के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी वो जो है डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा बना दे नहीं है बैंक वाले, वो अलग नाटक में लगे रहते हैं, कभी उनकी बैंक बंद हो जाती है जल्दी से, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बैंक बंद हो गई थी, ये वो हो गई थी मेरे साथ, तो बहुत हुआ था, और मेरे साथ तो ये हुआ था कि अब रहने ही दो, क्योंकि मेरा पार्शियल ड्रॉप था इसलिए काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं कॉलेजेस वगैरह से सब निकलवाया था, TC माइग्रेशन ये वो सब, और मैं जबलपुर से पार्शियल था मेरा, तो वहाँ से मैं कॉलेज वहाँ से काफ़ी मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था, दूसरा कॉलेज था, तो वहाँ से जाने जाने में मेरे को हर दिन आना पड़ता था, जाना पड़ता था, क्योंकि मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ भी मेरे एग्ज़ाम से जो पार्शियल ड्रॉप थे वो वाले, तो एग्ज़ाम भी देना पड़ता था, फिर वहाँ से आना पड़ता था, तो यार मैं बहुत फटक गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें थी, फिर भी हमने इतनी स्पीड से कराए थे ना कि दो या तीन दिन में हमारा हो गया था, बाकी लोगों को तो बहुत बहुत टाइम लगे थे, ठीक है। तो ये सारे रहते हैं। अब इसके अलावा मैंने बता दिया इतने पैसे आपको रखना मस्त तरीके से, इसके अलावा आपको यार देखना जाने आने का ये वो, अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट में तुमको बॉन्ड के लिए बस तैयार रहना पड़ता और फाइल वगैरह जमा करना पड़ता, तो हो जाता। अपग्रेड के लिए आपको कॉलेज में बोल देना पड़ता है कि अपग्रेड कर दो, और तुम ऑनलाइन जाके वहाँ से अपग्रेडेशन करके फिर चॉइस फिलिंग आपको बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा तो गवर्नमेंट का, प्राइवेट में रहोगे तो प्राइवेट में हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, बट जो ऑफिशियली जो प्रोफार्मा ये वो हैं वो तो सब यही रहते हैं, बॉन्ड बॉन्ड वगैरह, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रहा हूँगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि क्या चीज़
सर और एक्स्ट्रा लगती है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब यार बाकी और चीज़ बता दूँ कि जो बच्चे का हो जाता है ना, तो इसके अलावा वो कुछ नहीं मांगते गवर्नमेंट में, तो तुम्हारा यहीं तक हो गया। ठीक है, स्कॉलरशिप टिक कर देते हैं। प्राइवेट में क्या रहता है, वहाँ भी वो देखते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, मेधावी या किसके लिए हो, तो नहीं लेते। ओबीसी के लिए 15% बस लेते हैं शायद, जो कि 3 लाख इनकम लिमिट वाले हैं उनके अंदर में हो तो। और स्कॉलरशिप के लिए ये बेनिफिट है कि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए थे, उसमें ये है कि जो चार्ट आया है फीस चार्ट, उसमें आपको ट्यूशन फ़ीस प्लस मिसलेनियस चार्ज भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के रूप में देगी। ठीक है, ट्यूशन फ़ीस तो दे ही रही है, साथ में मिसलेनियस चार्ज भी गवर्नमेंट दे रही है, तो कंबाइन करके स्कॉलरशिप आएगी आपको, तो कोई चार्ज देना ही नहीं है, है ना। अब कोई लोग सोचते हैं सर मेस का और हॉस्टल का भी क्या गवर्नमेंट दे देगी हमको स्कॉलरशिप में। नहीं भाई, वो तो हम गवर्नमेंट कॉलेज वाले, हमको खुद से 50,000 रुपये देना पड़ता और मेरा हॉस्टल का और मेस का, तो प्राइवेट वाले को कैसा दे देंगे बताओ, है ना। मतलब गवर्नमेंट में तो देना चाहिए, हो सकता है फ्री में दे देना चाहिए था, लेकिन उसमें कहाँ से होगा ना, तो नहीं होता वो। ठीक है, अपने को पास के ही देना पड़ता है, तो वो अलग से लगता है हॉस्टल और मेस का। इसके अलावा जो यार और भी फीस लगेंगी, फिर भी फिर सोचो कि सर पूरा फ्री हो जाएगा कि नहीं, पूरा फ्री कहाँ से हो जाएगा, फिर आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ये चार्जेस वो चार्जेस, लाइब्रेरी वगैरह शुल्क के तो आपने जमा कर लिए, लेकिन वहाँ क्या पता ज़्यादा होगा प्राइवेट कॉलेजेस में, है ना। तो ये वो चार्जेस वगैरह करना, ये वो करना और बनाना, आईडी कार्ड बनाना, ये सब में थोड़े बहुत लगते रहते हैं, तो यार 10-20-30 हज़ार रुपये तो नॉर्मल ये लग ही सकते हैं ना, पता ही नहीं चलता लग जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में तक तो 10-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं भाई, 5 हज़ार का तुम एग्ज़ाम फॉर्म भरो, 2-3 हज़ार का इनरोलमेंट फॉर्म भरो, फिर ये वो दुनिया भर का, क्या नहीं। तो ये मान के चलो कि थोड़ा बहुत तो लगता है, बाकी ज़्यादा नहीं लगता। और मिसलिनियस चार्ज तो मैंने बताया था, वो ज़्यादा होती हैं जो टॉप कॉलेजेस की प्राइवेट की थी, तो वो तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उसमें 20-30 की जगह सोच सकते हो 40-50 तुम्हारा एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, तो नॉर्मली ये है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब फ्री एग्जिट वाला जो है, इसमें मैंने बताया कि यार फ्री एग्जिट में तो ठीक है कि आप छोड़ सकते हो कॉलेजेस, मतलब उसमें रिजाइन अलग होता है। रिजाइन में ये होता है कि आपको एल एंड या कोटा पे सीट मिल गई तो आप रिजाइन दोगे, रिजाइन में भी आपका फिर जो है कुछ चार्जेस कटते हैं। ठीक है, रिजाइन अलग है, फ्री एग्जिट अलग है। फ्री एग्जिट करके तुम सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करके कॉलेज के लिए एलिजिबल हो मतलब। ठीक है, तो फ्री एग्जिट का ये मतलब है, लेकिन आपको वहाँ रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, मतलब कर सकते हो वहाँ पर, और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना उनसे अपग्रेड वगैरह का जो भी है, तो वो और भी बेस्ट रहेगा कॉलेज प्रेजेंट करके, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन पढ़ने के बाद भी जो है कॉलेज जाना हमारे लिए बेस्ट रहता है, मतलब गन्ना। तो आई होप कि आपको समझ में तो आया होगा, और कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।